पब्लिक टीवी आपकी आवाज। प्रदेश भर के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10 और कक्षा 12 का शुक्रवार को रिजल्ट घोषित किया गया। मुरादाबाद शहर के सभी पब्लिक स्कूलों में बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं था। दो वर्षों के बाद विद्यालयों में खुशी देखी गई और सभी बच्चे एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे थे। मुरादाबाद शहर के सभी स्कूलों में प्रधानाचार्य, शिक्षक और स्कूल के डायरेक्टर बच्चों के साथ खुशियां बांटते हुए दिखाई दिए। सीबीएसई बोर्ड के कक्षा 12 के रिजल्ट में मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल की छात्रा परिधि कुकरेजा ने 99.4 अंक लाकर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया और पिछले दिनों डीपीएस स्कूल काफी चर्चाओं में भी रहा। डीपीएस की फ्रेंचाइजी को लेकर भी काफी बातें सामने आई, मगर इन सब के बीच विद्यार्थियों ने अपनी मेहनत से इस शहर का नाम रोशन किया। पब्लिक टीवी से बात करते हुए कक्षा 12 की जिले की टॉपर परिधि कुकरेजा ने बताया कि मेहनत और परिवार के सहयोग से आज वो इस स्थान पर पहुंच पाई हैं। कितना परसेंट रहा? क्लास 12 का सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया है। मैं कॉमर्स में मैथ्स में मेरे 99.4% आए। कितनी मेहनत की यहाँ तक पहुँचने में? पूरा स्टार्टिंग से ही मैं कंसिस्टेंट रही। ऐसा नहीं है कि 12th है तो सिर्फ 12th में पढ़े, मैंने 11th में भी उतनी मेहनत की जितनी 12th में करी। हाई स्कूल में कितना रहा था? 98.6। क्या मानते हैं, क्या तैयारियां करनी पड़ती हैं, किस तरह से आपने तैयारी की थी? जूनियर्स को क्या बोलना चाहते हैं? बस यही कि अपना 100% मेहनत करें, उसके बाद जो भी होगा वो भगवान के हाथ में छोड़ के टेंशन ना लें। और मैंने अपने मतलब जो मेरे को डिफ़िकल्ट टॉपिक्स थे मैंने उनको ज़्यादा ध्यान दिया और जो आते थे मुझे उन पर थोड़ा कम ध्यान दिया। अब भविष्य में क्या योजना है आपकी? मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहती हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से और उसके बाद में सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई करना चाहती हूँ। क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कोविड और स्कूल्स के प्रॉब्लम्स के बीच? ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि हमारी ऑनलाइन क्लासेस डेली बेसिस पे चलती थी तो उसमें सारा कवर हो गया था, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कोरोना। सीबीएसई बोर्ड 10वीं कक्षा का रिजल्ट भी शुक्रवार को घोषित किया गया। शहर के सभी स्कूलों में बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं था। स्कूलों में बच्चों को आशीर्वाद देते हुए सभी शिक्षक और प्रधानाचार्य दिखाई दिए। शहर के कांट रोड स्थित एसएस चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल के वैभव चौहान ने 99.4 अंक लाकर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिसके बाद विद्यालय में खुशी का माहौल देखा गया। वहीं मुरादाबाद शहर के सभी पब्लिक स्कूलों में हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। सभी बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया और अच्छे अंक लाकर अपने माता पिता विद्यालय का नाम रोशन किया। विद्यालय में सभी बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए शिक्षकों और प्रधानाचार्य सभी दिखाई दिए। सभी बच्चों ने अपनी खुशी का इजहार भी किया। टेंथ क्लास का रिजल्ट आया सीबीएसई से 99.4%। यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना लक्ष्य आपने करा, क्या मेहनत करी क्या? मैंने सिर्फ अपने लिए 98% का लक्ष्य रखा था, पर मैं मेहनत करते करते वो 99.4% तक पहुँच। अभी तक आपने जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा लगा। आपके भविष्य में क्या योजनाएं हैं? मैं एक IIT इंजीनियर बनना चाहता हूँ। कैसा सहयोग रहा माता पिता स्कूल्स का? मेरी मम्मी का मेरी कामयाबी में बहुत बड़ा सपोर्ट है और स्कूल के टीचर्स ने भी मुझे बहुत सपोर्ट। क्या मानते हैं पढ़ाई करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? मेरा मानना यह है कि जिस टाइम हम पढ़ाई कर रहे हैं हमें सिर्फ उस टाइम पढ़ाई करना चाहिए। कई बार बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो पढ़ाई करते समय उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कर तो वो पढ़ाई रहे होते पर दिमाग किसी और जगह पर होता है। कोविड के टाइम पर क्या प्रॉब्लम फेस हुई आपको? कोविड के टाइम पर ऑनलाइन बहुत अच्छा था पर ऑफलाइन के में इतना ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा होता उसके मैं और सेकंड आई हूँ अपने गांधीनगर पब्लिक स्कूल में। और एक्चुअली मैंने नॉर्मल स्टडीज़ की थी, डेली स्टडी करता था और रिवाइज करता था उस चीज़ को, तो ऐसी ही मतलब ये सक्सेस की स्टोरी बनी मिली। ऑल इंडिया रैंक गांधीनगर में सेकंड। क्या सोचा था आपने, क्या तैयारी है आगे जाने की? एक्चुअली ऐसा मतलब मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, मेरा शुरू से था, मेरे कॉमर्स में दिल लगे, मैं अच्छे से पढ़ पाऊँ। अकाउंटेंसी में मेरा बहुत मतलब 99 मार्क्स आए अकाउंटेंसी में हाई स्कूल स्कूल में, तो मैं डेली स्टडी करता था, जो सर क्वेश्चन कराते थे मैं डेली होमवर्क में करता था उसको, और मतलब जैसे अपना जो मिलता सब कुछ कंप्लीट करके अपना कोर्स कंप्लीट किया और सेकंड आया। तो टारगेट अचीव करने की बात तैयारी की थी कि टारगेट यहाँ तक जाना है? हाँ, मैं टारगेट्स बनाता था डेली की कैसे ऐसे कैसे क्या करना है, जैसे मेरा परसों पेपर है तो मुझे आज कितना कोर्स करना है, कल कितना करना है, रिज्यूम किस हिसाब से करना है, मैं उसको अचीव करने के लिए। अग्रवाल, आई स्टडिंग इन गांधीनगर पब्लिक स्कूल मुरादाबाद। दिस इज अ वेरी फेमस एंड स्कूल एंड आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ हियर एंड आई
take education from this and I'm very proud of my schools and my teachers. Such a guided teachers and such a helpful teachers. They're helpful in every step of me. And in this my success, they help us most. And I am very proud on our school. आज सी बी एस ई का क्लास 12 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, क्योंकि इस बार का जो सी बी एस ई के एग्जामिनेशन थे वो एक एक्सपेरिमेंट के तरह हुए, क्योंकि उससे पिछले साल कोविड में कोई भी परीक्षा संभव नहीं हो पाई थी, तो पिछले सालों के रिजल्ट के बेस पर रिजल्ट बना। इसलिए बोर्ड ने इस बार दो टर्म में एग्ज़ाम कराया, आधा कोर्स करके नवम्बर में एग्ज़ाम हुआ, जो बहुत अलग था, जिसमें सिर्फ बच्चों को ऑप्शनल चॉइस के, मल्टीपल चॉइस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए, और उनमें बच्चों को ओएमआर वगैरह भरने में बड़ी परेशानी हुई, और क्योंकि ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ तो रिज़ल्ट जो फर्स्ट टर्म का था उसमें बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम्स रही, लेकिन फिर भी कोशिश की बच्चों ने। टर्म टू में जो एग्ज़ाम हुआ वो नॉर्मल मोड में था और बच्चों को सब्जेक्टिव एग्ज़ाम दिया गया आधे कोर्स में से, तो टर्म वन और टर्म टू के रिज़ल्ट को फिर प्रॉपर वेटेज के साथ अभी रिज़ल्ट बना है। तो ये रिज़ल्ट पिछले सालों के रिज़ल्ट से थोड़ा अलग है, क्योंकि टर्म वन कहीं सेल्फ सेंटर और कहीं बच्चे ओएमआर प्रॉपर अटेंड नहीं कर पाए, तो कुछ ना कुछ चेंजेस दिखाई दिए, लेकिन फिर भी रिज़ल्ट बच्चों की मेहनत का दिखाई दे रहा है। सभी बच्चों को, सभी विद्यालय के बच्चों को मेरी ओर से शुभकामनाएँ उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए। इस रिज़ल्ट के आधार पर वो अपनी हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई करेंगे और डेफिनेटली बहुत ही अच्छा अचीव करेंगे। सभी विद्यालयों को, बच्चों को, टीचर्स को मेरी शुभकामनाएं। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।